गुड मॉर्निंग फ्रॉम चोपटा। तो चोपटा कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, यही बस एक मार्केट है, चोपटा कहा जाता है। और इसी के ही आसपास सारे होम स्टेज जो हैं, कुछ गेस्ट हाउसेज, होटल्स हैं। बाकी जब हम आते हैं ऑन दी वे रास्ते में तो कई सारे होम स्टेज एंड होटल्स मिलते हैं। ऐसे ही हमारा ट्रैक शुरू होगा। और ये ऊपर जो होटल है नीलकंठ होम स्टे, यहाँ पर हम रुके हैं। तो अब हम लोग अपना ट्रैक शुरू कर रहे हैं। अभी क्या बज रहा है, 8:30 8:25 हो रहे हैं। और देखते हैं कब तक लौट के आते हैं। तो अगर आप घोड़े से भी यात्रा करना चाहते हैं तो भी हो सकती है। चोपटा से तुंगना तक 1300 रुपये, चोपटा से तुंगना तक जाना सिर्फ 900 रुपये। तो ऐसे कुछ खड़ी चढ़ाई है तुंगनाथ के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। चढ़ते चढ़ते आए और अभी भी ऊपर की तरफ ही जाना है, 1.5 किलोमीटर और बचा हुआ है। तो मान के चले कि 2 घंटे और लगने वाले हैं इस ट्रैक पर। बिल्कुल सीधी खड़ी चढ़ाई है पहाड़ के ऊपर, इधर जाना है। और शानदार दृश्य इधर से, तो वो जो जगह देख रहे थे वहाँ पे अभी थे। और ये करते 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 पूरा आ गए ऊपर। ओ ठंडी हवा चल रही है, बहुत बढ़िया। और अब मंदिर नज़दीक ही है। तो छोटी सी तुंगनाथ की मार्केट है जहाँ पे आप प्रसाद वगैरह खरीद सकते हैं मंदिर में प्रवेश से पहले। और वो ऊपर वहाँ पर चोटी के पहले दर्शन। तो ये जो हम देख रहे हैं ना, ये वाले, ये है चौखंबा। चौखंबा पर्वत कहा जाता है, त्रिशूल पर्वत भी कहा जाता है ये। ये जो बादल आ गए हैं यहाँ पर इस वक्त, इस बादल के ही पीछे केदारनाथ पर्वत है। ये पूरी केदार वैली है वैसे, पर जो केदारनाथ टेम्पल है वो इसी बादलों के ही जस्ट पीछे है। अभी वो दिखाई नहीं दे रहे। और ये पर्वत श्रृंखला। वाह भाई वाह, भोले बाबा। तो अभी हम लोग बढ़ रहे हैं चंद्रशिला ट्रैक के लिए। और ये जो ट्रैक है ना, ये ट्रैक तुंगनाथ वाले ट्रैक से 1 किलोमीटर आगे है। और इस तरीके का कुछ रास्ता है, पत्थरों पे चलना है। इससे पीछे वाला जो रास्ता था वो थोड़ा सा बना हुआ था तो ठीक था, ये बना हुआ नहीं है। और इसकी चढ़ाई बिल्कुल खड़ी है, ऊपर तक जाना है। और यहाँ से ये दृश्य, वाह। तो वो था तुंगनाथ मंदिर, वो छोड़ दिया हम लोगों ने। और ऐसे ऐसे आते हुए अब इस पर हम लोग चल रहे हैं। तो ये पहुँचाया चंद्रशिला। इस वक्त है चंद्रशिला की चोटी पर। खतरनाक चढ़ाई चढ़ने के बाद आ गए हैं चंद्रशिला की पीक पर। बहुत ही बढ़िया ये नज़ारा यहाँ से। यार अभी तो पूरे बादल बादल हो रखे हैं तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ वाइट आउट है, सब कुछ ब्लैंक है। पर यहाँ आने की भी जो अचीवमेंट है ना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। चंद्रशिला हम लोग पहुँच के आते हैं। चंद्रशिला 4000 मीटर की हाइट पर है। यहाँ जब पहुँचते हैं तो ये मंदिर हमें मिलता है यहाँ पे, ये सबसे टॉप पे है। इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसके आगे फिर सिर्फ नीचे की ओर खाई। तो ये गंगे माँ का मंदिर है। इसके बाद अब यहाँ से चलते हैं हम लोग नीचे, क्योंकि हमें तुंगनाथ के भी दर्शन करने हैं और वापस रूम भी खाली करना है। एक बज गए, तो अब चलते हैं नीचे की ओर। तो अब यहाँ से नीचे उतरना है और अब पैरों को अपोजिट डायरेक्शन की एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है। अभी तक चढ़ रहे थे, अब उतरना है। और वो पता नहीं कहाँ नीचे जाना है, पहले तो दिख भी रहा था, अब दिख भी नहीं रहा, सब जो है गायब है। वाह। तो थोड़ा सा नीचे आ गए हैं अभी चंद्रशिला से। चंद्रशिला वो वहाँ ऊपर है। तो ऐसा कहा जाता है कि चंद्र भगवान, जो चंद्रमा है, उसको क्षय रोग था और जिसको ठीक करने के लिए वो शिव जी की स्तुति, शिव जी करने के लिए वो इस पीक पर आकर बैठे थे, ऐसी कहानियां, ऐसा माना जाता है। ये पीक चढ़ करके बहुत मजा आया सच में, जो फीलिंग अच्छी सी आ रही है ना अंदर, खुशी वाली, बेस्ट। भाई साहब बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे यार।
और वो नीचे वहाँ पे वो वेद बैठा हुआ, वेद ने बोला कि यार वो नहीं जाएगा, वहाँ बैठ के फोटोग्राफी कर रहा है। तो ये धीरे धीरे हम लोग उतरते हुए नीचे आ गए तुंगनाथ मंदिर के पास। वो जो टीन वहाँ दिख रही है लाल वाली, वो तुंगनाथ मंदिर का हिस्सा है। वाह भाई बहुत बढ़िया। ट्रैकिंग का अपना एक अलग मज़ा है, उस मज़े का कोई मतलब मुकाबला नहीं है। चंद्रशिला के बाद अब आ गए हम लोग तुंगनाथ मंदिर। तो ये जो मेरे पीछे है ये है तुंगनाथ मंदिर, और इस तुंगनाथ मंदिर में इस वक्त हो रहा है भोग। तो भगवान को भोग लगाया जा रहा है, भगवान इस वक्त भोजन ग्रहण कर रहे हैं। मंदिर के जो कपाट है, मंदिर की में जो एंट्री है, वो अभी विजिटर्स के लिए, श्रद्धालुओं के लिए अलाउड नहीं है, ओपन नहीं है। तो ये जो हाईएस्ट टेम्पल है, इसका भी अपना एक महत्व है, इसकी भी अपनी एक कहानी है कि महाभारत ख़त्म होने के बाद जब पांचों पांडव काफ़ी ग्लानि में थे, काफ़ी दुखी थे, हर कोई उन्हें नकार रहा था क्योंकि उन्होंने अपने रिश्तेदारों का, अपने सगे संबंधियों का महाभारत में उन्होंने सबका वध कर दिया था। तो उस ग्लानि को उस पाप से मुक्ति पाने के लिए शिव जी की आराधना करने लगे। लेकिन शिव जी भी इस चीज़ से काफ़ी नाराज़ थे कि उन्होंने महाभारत में सारे अपने रिश्तेदारों को मार दिया, तो काफ़ी नाराज़ थे। तो वो गायब हो गए, गायब हुए वो गुप्त काशी में, और फिर वो केदारनाथ में एक बड़े बुल के रूप में प्रकट हुए। पांडव थे, उनको इस बात का भनक लग गई कि शिव जी वहाँ पर हैं, तो वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने उसका स्पर्श किया। शिव जी को दर्शन नहीं देने थे तो उन्होंने अपने शरीर के 5 खंड कर दिए, इनको पंच केदार कहा जाता है। तो ये महाभारत काल से जुड़ी हुई कहानी है जिसकी वजह से ये तुंगनाथ मंदिर काफ़ी फेमस है। लोग जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं बहुत ही श्रद्धापूर्वक यहाँ पर आकर के भगवान शिव की आराधना करते हैं। और ये विश्व में बना हुआ सबसे हाईएस्ट शिव टेम्पल है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3800 मीटर 3800 मीटर्स के आसपास है। सो दिस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट, नॉट वन ऑफ द हाईएस्ट, द मोस्ट हाईएस्ट शिव टेम्पल इन द वर्ल्ड। सो ट्रैकिंग एक बहुत ज़रूरी एक्टिविटी है, मतलब सबको करना चाहिए, और थोड़े से मॉडरेट से डिफ़िकल्ट लेवल के ट्रैक चूज़ करना चाहिए। साल में 2 से 3 ट्रैक करना चाहिए इंसान को, उसको जो है एक्चुअली उसकी फिजिकल फिटनेस है उसका पता चलता रहेगा। छोटा बच्चा कर रहा था ना अभी, देखा, और बूढ़े भी कर रहे हैं, बूढ़े बुज़ुर्ग सब लोग कर रहे हैं। बहुत सही, मज़ा आ रहा है नीचे की तरफ, मतलब मैं रुका ही नहीं, चलता जा रहा हूँ। वेद बहुत पीछे अभी हो रहा, वो वेद